वेलकम टू द चैनल स्टडी अड्डा द प्लेस ऑफ लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाठक। आज सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मेरी अगली वीडियो में एक चार्ट लेके आऊँगा जिसके थ्रू मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डाउन अ ग्रुप और अलॉन्ग अ पीरियड में क्या क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, मेटलिक करेक्टर नॉन मेटलिक करेक्टर किधर की इंक्रीज करता है किधर की डिक्रीज करता है, एटमिक साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग पीरियड में क्या होता है और डाउन द ग्रुप में क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट थ्री में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखी हुई है, तो आप जाइए वहाँ पर देख लीजिए। मैंने उसको और ईजी करने के लिए ये वीडियो लेके आया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि बहुत ढेर सारी चीज़ें उसमें टेंडेंसी आ गई थी, इसी वजह से मैंने ये वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, मैंने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर भी वीडियो बना के रखा हुआ है, मैंने पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री ऑलरेडी बना के रखा हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, मैंने उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, प्लीज़ आप जाइए और उनको देखिए। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में क्या होता है। डाउन द ग्रुप में होता है हमारा टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन गेन होता है कि लूज़ होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी और लूज़ करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है, कुछ होता ही नहीं है। तो देख लेते हैं, मैंने ग्रुप फर्स्ट यहाँ पे लेकर रखा हुआ है एग्जांपल। ग्रुप फर्स्ट के अंदर लिथियम आता है, सोडियम आता है और पोटेशियम आता है। तो लिथियम जो होता है वो सेकेंड पीरियड में आता है, सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड में आता है और जो पोटेशियम है वो फोर्थ पीरियड में आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब सेकेंड पीरियड में हम हैं तो सेकेंड पीरियड में सिर्फ हमारे पास टू सेल्स हैं, के एंड एल। जो आउटर मोस्ट सेल है मैंने वहाँ पे एल सर्कल बना के रखा हुआ है कि वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे लास्ट वाला सेल है, यहाँ पे एल है। अब यहाँ पे जब हम ग्रुप थर्ड में आते हैं, सोडियम ग्रुप फर्स्ट में जब थर्ड पीरियड में आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक नया सेल एडअप हो गया, एक नया सेल क्या हो गया, एडअप हो गया। कौन सा सेल है, एम सेल, मैंने सर्कल किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम सेल जो है एडअप हो गया। नाउ लेट अस प्रोसीड, अब फोर्थ पीरियड की बात करते हैं। फोर्थ पीरियड में देखिए क्या होता है, एक नया सेल और एडअप हो गया, एक नया सेल और एडअप हो गया। कौन सा सेल एडअप हुआ है, एन के एल एम एन, चार सेल होते हैं, यहाँ पे देखिए एक और सेल एडअप हो गया जो कि है एन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एल था, एम है, एन है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, एक एक पीरियड उसमें एक एक सेल उसमें एडअप होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो एटमिक रेडियस है छोटी है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एटमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। एटमिक रेडियस क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे एटमिक रेडियस क्या होगा, अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि एटमिक रेडियस, ये कंक्लूज़न है यहाँ का एटमिक रेडियस के लिए, एटमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज। व्हाई इंक्रीजेज, बिकॉज अ न्यू शेल गेट्स एडेड इन दैट पीरियड। एक पीरियड से जब आप दूसरे पीरियड को आते हैं तो उस पीरियड में एक नया शेल एडप्ट होता है जिसकी वजह से उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से एटमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो एटमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अब बात कर लेते हैं टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। इसके पास कौन सी टेंडेंसी होती है, लूज करने की, गेन करने में से कौन सा डिक्रीज करता है, कौन सा इंक्रीज करता है। तो मैं पहले बात करता हूँ गेन की, देखते हैं यहाँ पे देखिए इसकी टेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा है गेन करने की, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और शेल भी छोटे हैं, एटमिक रेडियस छोटा है, तो यहाँ पे वो आराम से कोई भी न्यूक्लियस अगर यहाँ पे मान लीजिए आता है तो न्यूक्लियस पास आता है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसे अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, यहाँ पे वो डिस्टेंस बढ़ गया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और बाहर में, तो न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा है वो इफेक्टिव होगा बट कम होगा क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ गई है। आप ऐसे मैग्नेट की तरह समझ सकते हो उसको, यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ पे एक आयरन का पीस रखा हुआ है, तो उसे अट्रैक्ट करना है, तो जितनी दूरी बढ़ाएंगे उतनी उसकी अट्रैक्शन पावर कम होगी मैग्नेट की, यहाँ पे कम थी तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है, यहाँ पे और ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन गेन, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वाई टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप,
टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एटमिक रेडियस. जहाँ पे एटमिक रेडियस इंक्रीज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी जो होगी वो डिक्रीज करेगी फ्रेंड्स. नाउ लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड. आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आ गया आप एक बार रिकैप ले लीजिए वीडियो का, दो बार तीन बार, जब तक आपको ना समझ में आया तब तक देखते रहिए. लेट अस प्रोसीड. अब बता देता हूँ आपको अलॉन्ग पीरियड में क्या होता है, एटमिक रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन में क्या इफेक्ट पड़ता है. तो पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे टेंडेंसी टू लूज एंड गेन द इलेक्ट्रॉन. देखिए तो उसके पहले मैं बात कर लेता हूँ एटमिक रेडियस, उसके बाद मैं बात करूँगा उसके बारे में. एटमिक रेडियस देखते हैं. देख लीजिए यहाँ पे कि ये है एक पीरियड, मैंने फर्स्ट पीरियड को चूज़ किया है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन तीन एग्जांपल लिए हैं, उसी तरह आगे भी चलता चला जाएगा. देखिए लिथियम का मैंने लिया है, ये एटम बनाया हुआ है. तो देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे पहला सेल के है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तीसरा सेल एल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे बेरिलियम को देख लीजिए, न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन के शेल में, एल सेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इंक्रीज हो गया. जैसा मैंने अपने पार्ट थ्री में कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें एडअप हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का जाता है एडअप हो जाता है अलॉन्ग द पीरियड, ना कि उसमें शेल इंक्रीज होता है, शेल इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें दो सेल दो इलेक्ट्रॉन है इस शेल में के सेल में, और यहाँ पे देखिए एक और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया एल सेल में, एल सेल देखिए शेल सेम है. डाउन द पीरियड डाउन द ग्रुप में आपने क्या देखा था, डाउन द ग्रुप में एक नया शेल हमेशा एडअप हो रहा था पीरियड वाइज, लेकिन यहाँ पे एक ही पीरियड में अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ही शेल में नए नए इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं. ओके तो ये होता है अलॉन्ग द पीरियड. और जैसे जैसे इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे इसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने के कारण बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ऑफ दैट एटम एंड इट अट्रैक्ट्स. ध्यान से सुनिएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और जो न्यूट्रॉन रहता है सॉरी प्रोटॉन रहता है, पॉजिटिवली चार्ज को निगेटिवली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनका जो एटमिक रेडियस रहता है छोटा हो जाता है. क्या हो जाता है फ्रेंड्स? छोटा हो जाता है. और इसकी वजह से उनका जो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है. एटमिक रेडियस छोटा हो जाता है, और जितना ज़्यादा एटमिक रेडियस छोटा रहेगा उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा और उससे अट्रैक्शन होगी. मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ तो इसकी एटमिक रेडियस ज़्यादा छोटी रहेगी, न्यूक्लियर पावर ज़्यादा रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एडअप कर लेगा अपने में, मतलब वो अट्रैक्ट कर लेगा अपने में, अट्रैक्ट करने की पावर उसके पास आ जाएगी. वाई? बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. तो यहाँ पे टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेज जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन में मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें एडअप होता चला जाता है अलॉन्ग अ पीरियड. द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग अ पीरियड इंक्रीजेज, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज. सिंपल सी बात हो जाएगी, जब अलॉन्ग अ पीरियड जो गेन करने की टेंडेंसी वो इंक्रीज कर रही है तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो मान लीजिए ये पावरफुल मैग्नेट है, इसके पास मैं लेके आ जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो रहेगा उसको घींच के निकालने में इसका न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस का. ओके न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेल छोटा हो गया है. अब इलेक्ट्रॉन को मुझे घींच के निकालना है तो घींच के निकालने मुझे बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, लेकिन वहीं मुझे अगर इलेक्ट्रॉन एडअप करवाना है तो उसके पास हल्के से ले जाऊँगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो मैं क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा. लेकिन अगर उसी को मुझे घींच के निकालना है तो मुझे डिफिकल्टी होगी. सो कंक्लूजन इज दैट अलॉन्ग अ पीरियड द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द एटमिक रेडियस. और चलिए कंक्लूजन पे जाते हैं. मैंने फाइनल चार्ट बनाया हुआ है, शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है, एक बना लिया है रफली पीरियोडिक टेबल. तो यह हमारा होता है पीरियोडिक टेबल. तो पहले सबसे इजी की बात कर लेते हैं. सबसे इजी हमारा नॉर्मेटली करेक्टर. जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे नॉर्मेटली करेक्टर क्या होता है वो इंक्रीज करता है. क्या करता है फ्रेंड्स? इंक्रीज करता है नॉर्मेटली करेक्टर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब इसी का अपोजिट क्या होगा? व्हेन वी
when we move from right to left in the periodic table, from right to left in the periodic table, our metallic character increases. Our metallic character increases क्योंकि left side में हमारा क्या होता है, metals होते हैं, और हमारा right side में non-metals होते हैं, और बीच में metalloids होते हैं, zigzag lines जो बनी होती हैं. और हम बात कर लेते हैं metallic radius along period. Along period ये इस तरह पीरियड चलती है ना, इधर से इधर हॉरिजॉन्टली पीरियड चलती है, और वर्टिकली हमारी क्या चलती है, वर्टिकली हमारी ग्रुप चलती है. तो पीरियड जो चलती है हमारी हॉरिजॉन्टली, तो उसमें हमारा एटमिक रेडियस डिक्रीज होता है. अभी हमने डिस्कस किया है, अगर आपको फिर से भूल गए तो फिर से आप स्किप करके पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं, रिकैप ले सकते हैं. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज. टेंडेंसी जो होती है क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि एटमिक रेडियस छोटा हो जाता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, लेकिन गेन करने का इंक्रीज होता है क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा रहता है. उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके पास ले आएंगे तुरंत वो अपने कब्जे में ले लेगा, बच के रहना पड़ेगा इससे. नाउ डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं. एटमिक रेडियस ये है, AR मींस एटमिक रेडियस, AR मींस एटमिक रेडियस इंक्रीजेज. मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में कि एटमिक रेडियस कैसे इसका इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें एक नया शेल एडअप होता चला जाता है अलॉन्ग द ग्रुप. ग्रुप से जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे हर पीरियड के नीचे आएंगे तो एक नया शेल एडअप होता चला जाएगा, और उसकी एटमिक रेडियस इसी वजह से इंक्रीज करती है. तो यहाँ पर मैंने दो कंक्लूजन लिख रखा हुआ है. Tendency to lose electron increases क्योंकि एटमिक रेडियस ज़्यादा हो जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वो डिक्रीज कर जाता है. मान लीजिए न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पे है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण, ये इतनी बड़ी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान हो जाएगा. क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, न्यूक्लियर पावर ज़्यादा लग नहीं रहा है न्यूक्लियर चार्ज. अगर यहाँ पे होता तो मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पे है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. इसीलिए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इसे तुरंत यहाँ से निकाल लेते हैं अगर शेल से दूरी है तो. टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कैसे डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल इतना बड़ा है, न्यूक्लियस यहाँ पे है और आउटर मोस्ट शेल इतना बड़ा है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुझे एडअप करवाना है. एडअप कैसे होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आता है, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तभी इंक्रीज करता है, तभी क्या होता है, इंक्रीज होता है पावर इलेक्ट्रॉन को एडअप करने के लिए शेल में. लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है ये प्रॉपर्टी. क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा पावर लगती है इलेक्ट्रॉन को एडअप करवाने के लिए फोर्सफुली. न्यूक्लियर चार्ज लगता नहीं है, इनफेक्टिव रहता है. अगर न्यूक्लियर चार्ज लगता तो फटाक से एडअप हो जाता, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा शेल्स हैं उसमें, चार पाँच शेल्स होने के कारण डिस्टेंस बढ़ जाती है और उसमें इलेक्ट्रॉन एडप्ट करवाना मुश्किल होता है. इसलिए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज. प्लीज़ इसे इमेजिन कीजिए अपने माइंड में, अगर इमेजिन नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी. सो प्लीज़ इमेजिन, एंड आई होप दैट दिस चार्ट हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट. आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी एग्ज़ाम में रिविज़न करने के लिए. आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपने पीछे रख पे इस चार्ट को ज़रूर बना लें. If you will make this chart in 30 seconds, it will be very helpful in your exams, in your pre-boards, in your boards, in your tests, and it will not give you any mental tension. आपको कोई भी दिमागी टेंशन नहीं होगा कि किधर के डिक्रीज करता है, किधर की इंक्रीज करता है, क्या घटता है, क्या लूज होता है, क्या गेन होता है. आप इसको बना के वहाँ पर छोड़ दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है एग्जामिनर, आप आराम से अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा. So friends, please like, share and subscribe my video. Thanks for watching, and don't forget to hit the bell icon so that our video first reaches to you all. हमारी वीडियो आपके पास पहले नहीं पहुँचेगी तो और किसके पास पहुँचेगी भाई जान, आप ही लोगों के पास पहुँचेगी फ्रेंड्स. सो बी हेल्दी, बी सेफ फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.